स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो सो पिछले महीने 14 जुलाई को जब इसरो का रॉकेट बाहुबली अपने साथ चंद्रयान 3 को लेकर रवाना हुआ था, तब पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। इस रॉकेट ने ना सिर्फ चंद्रयान 3 को लेकर अपनी उड़ान भरी थी, बल्कि अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों को लेकर भी अंतरिक्ष में गया था। जब चंद्रयान चांद को चूमेगा, तब ये उम्मीदें परवान चढ़ेंगी और इंडिया वर्ल्ड की उन कंट्रीज की लिस्ट में गर्व से खड़ा हो जाएगा जिन्होंने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। अभी तक ये अचीवमेंट वर्ल्ड की 3 कंट्रीज ने हासिल किया है। ये देश है रशिया, यूएसए और चाइना। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन स्मूथली वर्क कर रहा है और इस मंथ के लास्ट वीक में मून पर लैंड करेगा। और पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि पिछली बार जो कमी रह गई थी वो इस बार पूरी हो जाए। चंद्रयान 3 लॉन्च के बाद अब इसरो सूर्य और मंगल ग्रह की ओर भी स्पेस सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। लेकिन भारत के सपनों का आकाश मून और मार्स से भी ऊंचा है। मून, मार्स और उसके अंतरिक्ष में अपने आगे के सफर में हमें रिलायबल और सेफ पावर की जरूरत होगी, जो सनलाइट, ऑक्सीजन और फ्यूलिंग स्टेशंस तक एक्सेस के बिना काम करता हो। स्पेस एक्सप्लोरेशन फील्ड के एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमारा डिकेड ओल्ड न्यूक्लियर एक्सपीरियंस, इनोवेटिव सॉल्यूशंस, डिजिटल कैपेबिलिटीज और इंजीनियरिंग एक्सीलेंस मिलकर हमें वहां तक ले जा सकती हैं। यही वजह है कि स्पेस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के इस प्रयास में इसरो दूसरी गवर्नमेंटल एजेंसीज का साथ ढूंढ रहा है। रिसेंटली ये साथ हमें बार्क के रूप में मिला। दरअसल इसरो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क के साथ मिलकर न्यूक्लियर पावर्ड इंजन डेवलप कर रहा है। और आज के डिस्कशन में हम इसी न्यूक्लियर पावर्ड इंजन की चर्चा करेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर न्यूक्लियर पावर्ड इंजन क्या है और ये कैसे काम करता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इंडिया का अपकमिंग मिशन में इसका क्या यूज है। तो इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएसटी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। दोस्तों, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने अब एक और अचीवमेंट को हासिल करने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए हैं। पीएसएलवी यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की शानदार सफलता के बाद इसरो ने न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट इंजन डेवलप करने का काम शुरू किया है। इसरो ने इसके लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार के साथ हाथ मिलाया है, जो कि देश की लीडिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। एक्सपर्ट के मुताबिक केमिकल पावर्ड इंजन की एक मिशन लिमिटेशन है, लेकिन यदि हम किसी स्पेसक्राफ्ट को इनफिनाइट स्पेस में भेजना चाहें या एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट की यात्रा करना चाहें, तो इसके लिए न्यूक्लियर पावर्ड व्हीकल्स हमेशा सबसे इफेक्टिव ऑप्शन है। केमिकल पावर्ड रॉकेट्स में इतना फ्यूल नहीं भरा जा सकता जिससे कि वो स्पेस में लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रैवल कर सकें। वहीं यदि सोलर पावर्ड इंजन की बात करें तो स्पेस में काफ़ी लंबी दूरी तय करने पर सनलाइट नहीं मिलेगी, जिससे कि सोलर पावर्ड इंजन वाले रॉकेट का चलना मुश्किल हो जाएगा। इन सभी कारणों की वजह से इसरो ने अब न्यूक्लियर पावर्ड इंजन पर काम करना स्टार्ट किया है। रिसेंटली जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक इसरो और बार्क ज्वाइंटली रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर आरटीजी डेवलप कर रहे हैं। तो आने वाले स्पेस मिशंस के लिए इसरो कई डायरेक्शन में काम कर रहा है ताकि मिशंस को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया जा सके। इसी डायरेक्शन में रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर डेवलप किया जा रहा है। सोर्सेज बताते हैं कि इस पे काम पहले ही शुरू हो चुका है और इसे एक मेजर चैलेंज के रूप में लिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसे कम्प्लीट कर लिया जाएगा। दरअसल न्यूक्लियर इंजन न्यूक्लियर फिजन वाले रिएक्टर्स की तरह काम करते हैं, बल्कि यहाँ रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल्स जैसे प्लूटोनियम 238 या स्ट्रॉन्शियम 90 का यूज होता है। जब ये डिस्ट्रॉय या डिके होते हैं तो हीट जनरेट करते हैं। इस इंजन में दो पार्ट्स होंगे, पहला रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट जिससे हीट जनरेट होगी, और दूसरा रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो इस हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। ये हीट इसके बाद थर्मोकपल में ट्रांसफर होगी। ये एक ऐसा मटीरियल है जो वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। ये वोल्टेज बैटरी को चार्ज करने में यूज किया जाता है, जिससे सेटेलाइट को जरूरी पावर प्रोवाइड होती है। जो न्यूज सामने आ रही है उसके मुताबिक इसरो बार के साथ मिलकर 5 वॉट रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी आरटीजी बना रहा है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन में एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर जनरेट करने के लिए फिजन रिएक्टर का यूज किया जाता है। इंजन रिएक्टर द्वारा प्रोड्यूस हीट को एक लिक्विड प्रोपेलेंट में ट्रांसफर किया जाता है, जिसे स्पेस क्राफ्ट को आगे बढ़ाने के लिए नोजल के थ्रू एग्जॉस्ट मिलता है। ट्रांजिट टाइम को रिड्यूस करना ह्यूमन स्पेस मिशन के लिए एक की कंपोनेंट है, क्योंकि लॉन्गर ट्रिप्स के लिए ज्यादा सप्लाई और अधिक रोबस्ट सिस्टम की जरूरत है। ज्यादा एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी से स्पेस एजेंसीज को अपने इंटरप्लेनेटरी मिशन
और ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में काफी हेल्प मिलेगी। स्पेस ट्रैवल के दूसरे बेनिफिट्स में साइंस, पेलोड कैपेसिटी में बढ़ोतरी और इंस्ट्रूमेंटेशन और कम्युनिकेशन के लिए हायर पावर शामिल है। वहीं न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट्स कन्वेंशनल केमिकल प्रोपल्शन के मुकाबले 3 गुना या उससे भी ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं। यदि इसे मार्स मिशन से समझें तो हर 26 महीने में मार्स और अर्थ शॉर्टर जर्नी के लिए काफी करीब होते हैं। बावजूद उसके ये ट्रिप काफी लॉन्ग होती है जिसमें 7 to 9 months का समय लगता है, जहां मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेसक्राफ्ट स्पेस में ही घूमता रहता है। लेकिन यदि स्पेसक्राफ्ट अपनी जर्नी के फर्स्ट हाफ में स्पीड तेज रखे और फिर स्लो स्पीड में चलना शुरू करे तो ट्रैवल टाइम काफी कम किया जा सकता है। करेंटली रॉकेट इंजन्स, जो यूजुअली ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन या मीथेन जैसे फ्यूल के कम्बेशन पर निर्भर होते हैं, इसे पूरा करने के लिए एफिशिएंट नहीं है। साथ ही इतना ज्यादा प्रोपेलेंट ले जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट में जगह भी नहीं होती। लेकिन यूरेनियम आइटम्स के स्प्लिट से एनर्जी जनरेट करने वाले न्यूक्लियर रिएक्शंस ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, जिसकी हेल्प से काफी कम समय में मिशन को कंप्लीट किया जा सकता है। दोस्तों, स्पेस के लिए न्यूक्लियर प्रोपल्शन कोई नया आइडिया नहीं है। 1950s और 1960s में प्रोजेक्ट ओरियन, जिसे नासा, एयरफोर्स और एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी द्वारा फाइनेंस किया गया था, इस प्रोजेक्ट में स्पेसक्राफ्ट को एक्सेलरेट करने के लिए एटॉमिक बॉम्ब्स के एक्सप्लोजन पर विचार किया गया था। वहीं मौजूदा वक्त में यूएस स्पेस एजेंसी नासा के स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर, कैसिनी और क्यूरियोसिटी इसी तरह के इंजन से रन करते हैं। इसके अलावा नासा अब नए न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जिसे साल 2027 तक मिशन में शामिल करने की योजना है। इस नई टेक्नोलॉजी की हेल्प से एस्ट्रोनॉट्स काफी तेजी से डिस्टेंट स्पेस में ट्रैवल कर सकेंगे, जिससे कि नासा के एस्ट्रोनॉट्स को मार्स और मून पर आसानी से पहुंचाने में हेल्प मिलेगी। साथ ही इससे उन्हें समय भी कम लगेगा और खतरा भी कम होगा। वहीं चाइना भी इस तरह की टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहा है। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी आईक्यू का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, बैचेस में आपको 1000+ hours का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी आईक्यू कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिग्रेस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 23rd of August से स्टडी आईक्यू के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस हिंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएंगी। तो इसरो के चंद्रयान 3 के लॉन्च के बाद इंडिया की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। वहीं इसरो ने जिस तरह नासा और चाइना को टक्कर देते हुए मार्स की जर्नी के लिए तैयारी शुरू की है, वो काफी अहम है। न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट बनाने से इंडिया सिर्फ मार्स ही नहीं बल्कि जुपिटर और बाकी हेलियोस्फीयर की भी जर्नी की उम्मीद बढ़ा सकेगा। हालांकि एक डिस्टेंट ड्रीम है, पर ये सारे डिस्टेंट ड्रीम्स एक एक कदम से ही बनेंगे, इसीलिए ये डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यदि हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।